अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह से आप एक ब्लॉग सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं अपनी स्क्वेयरस्पेस की वेबसाइट के अंदर, और किस तरह से ब्लॉग्स को ऐड डिलीट या मॉडिफाई कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरह से आप एक ब्लॉग सेक्शन ऐड कर सकते हैं। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे नॉट लिंक्ड के अंदर ब्लॉग सेक्शन मौजूद है। अगर बाई चांस आप लोगों के पास ये ऑप्शन मौजूद ना हो तो आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं घबराना, मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। तो डिलीट करने के बजाय यहाँ पे मैं डायरेक्टली एक नया क्लिक करूँगा, और यहाँ पे देखें यहाँ हमारे पास ब्लॉग्स का ऑप्शन मौजूद है। सिंपल मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें आप लोगों ने उसका स्टाइल चूज़ करने के, कौन से तरह का डिज़ाइन आप लोगों को ब्लॉग का पसंद है वो आप लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, और वो पेज क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएटेड पेज मौजूद है, इसको हम उठा के यहाँ पे नेविगेशन के अंदर डाल देंगे और ये वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ब्लॉग का सेक्शन शो हो चुका है। अब सिंपल मैं अगर इस पर क्लिक करूँ, और यहाँ पे देखें जैसे मैंने क्लिक किया तो सारे ब्लॉग्स जो हैं वो मेरे पास सामने कुछ इस तरह का डिज़ाइन है, और ये सारे ब्लॉग मेरे पास यहाँ पे शो हो गए हैं। अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँगा तो सिलेक्ट करूँगा, डिलीट कर दूँगा, और यहाँ पर इसकी सेटिंग करना चाह रहा हूँ, इसी पोस्ट को डुप्लीकेट करना चाह रहा हूँ तो कर सकता हूँ, राइट। तो ये सारे ऑप्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप इस ब्लॉग पोस्ट को, स्पेसिफिक ब्लॉग पोस्ट को एडिट करना चाह रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे और सेटिंग पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखें इसकी ऑप्शंस मौजूद हैं। आप इसकी जो है थंबनेल चेंज कर सकते हैं, इसका मेटा डिस्क्रिप्शन, एक्सेप्ट पोस्ट यूआरएल और ऑथर, ये सारी चीज़ें आप इसकी चेंज कर सकते हैं। सोशल मीडिया इमेजेस ऐड कर सकते हैं, एसईओ और बाकी सारे ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं। इसी तरह से अगर मुझे इस ब्लॉग को एडिट करना है, राइट, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, और जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको एडिटिंग मोड में ले आऊँगा डबल क्लिक करने के बाद। जैसे मैं इसको एडिटिंग मोड के अंदर ऐड कर दूँगा, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड कर देता हूँ और इसको सेव कर दूँगा, तो यहाँ पे देखें ये वाला जो ब्लॉग पोस्ट है वो अपडेट हो चुका है। इसको मैं एग्जिट कर दूँगा, और यहाँ पे देखें काफ़ी सारे और पोस्ट मौजूद हैं। न्यू पोस्ट मुझे ऐड करनी है तो सिंपल मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा प्लस आइकन के अंदर, यहाँ पे देखें अपने ब्लॉग पोस्ट का टाइटल दूंगा, और यहाँ पे अपने ब्लॉग पोस्ट लिखना शुरू कर दूंगा। तो ये पर उसके बाद पब्लिश या स्केड्यूल कर सकता हूँ मैं, उसके बाद मैं इसको एग्जिट कर दूंगा, पर यहाँ पे हमारा जो पोस्ट है वो इस ब्लॉग सेक्शन के अंदर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आएगी किस तरह से आप लोग अब ब्लॉग सेक्शन ऐड कर सकते हैं अपने स्पेस की वेबसाइट के अंदर। अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट करें, मैं आप लोगों को जरूर रिस्पॉन्स करूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।